नमस्कार भारत, आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के गोल बावड़ी स्थान पे और ये हमारे देश की एक धरोहर है, ऐतिहासिक जगह है ये। और हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी खासियत है जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और हमारे देश की एक ऐसी धरोहर है जो हमारे संस्कृति से हमें जुड़े रहने पर मजबूर करती है। चलिए हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के स्थान पे ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या ये प्रेरणा हमें यहाँ पे ऐसा क्या सीखने को मिलता है, ऐसा क्या पुराने ज़मानों में होता था जो हमें आज भी उस चीज़ से कनेक्ट करता है, हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे सबसे डिफरेंट लगती है, और क्या हमें सीखने को मिलता है ऐसे स्थानों पे आके। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढलाऊ जगह है ये, और हम यहाँ, ये हमारा ऐतिहासिक प्लेस। तो आइए हम आप काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से चार सौ साल पुराना बावड़ी है, और आइए हम आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराते हैं, आपको हर एक चीज़ हम दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से बने हुए होते होंगे पुराने ज़मानों में। अब ये क्यों बने हुए होते होंगे, ये तो इसके आके अपने नाम वाम देखते रहते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, और काफ़ी अच्छा है, शांत इलाका है ये। यहाँ पे दूर दूर तक कहीं बाहरी दुनिया का शोर शराबा नहीं है, बहुत शांति है इस जगह पे। शायद इस वजह से भी लोग यहाँ पे आके चैन सुकून से अपना टाइम स्पेंड करते होंगे। आइए हम आपको और दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। आइए ऊपर जाके भी दिखाएं हम आपको। ये बहुत पुराना लग रहा है, टूटे फूटे से। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और इधर ये इलाका भी ऐसा है कि काफ़ी चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके गोलाकार में और क्या है। यहाँ शोर पे एक मेला बनी है, ये उस सीढ़ी से ऊपर आए, अभी सीढ़ी से हम नीचे जाएंगे। काफ़ी सीढ़ियाँ भी बहुत टूट सी गई हैं यहाँ पे, और जाहिर सी बात है 400 साल पुराना ये बावड़ी है,
यहाँ पे लोग आते होंगे घूमने। और आइए हम आपको यहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए और भी आपको हम इसके अंदर ले चलते हैं और अंदर ले जाके और यहाँ पे क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो पहले के ज़माने में बनी थी और हम आज भी यहाँ देखने के लिए आते हैं। देखिए ये भी कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ है, ये मलबा डालने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। पहले के ज़माने में भी इन सब चीज़ों के लोग ध्यान देते थे, तभी ये इस तरह से बना हुआ है। और आज के दौर में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। देख सकते हो आप कि कूड़े रखने के लिए वहाँ पे डस्टबिन भी बनी हुई है। और ये देखो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये बावड़ी, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे। और आपको अपने कैमरे के माध्यम से यहाँ की बावड़ी के हर एक चीज़ को हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जब क्राउड आते होंगे तो स्पेस की कमी नहीं होती होगी। हर तरह से ये गोले कार में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छा है। लोग यहाँ पे ऐसे इस तरह के चबूतरे टाइप के बने, यहाँ पे लोग बैठ के आराम से इस जगह का मज़ा लेते होंगे। नीचे से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है और नीचे से ऊपर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत बावड़ी है, बस यही एक दिक्कत है कि 400 साल पुरानी है फिर भी मेंटेन तो है, बट और भी यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था। यहाँ पे पानी के फुहारे वगैरह लग सकते थे, अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें, खूबसूरती, यहाँ पेड़ पौधे, गमले, फूल वगैरह लगा के इस जगह को हम अच्छा हरा भरा बना सकते हैं। और थोड़ी सी और मरम्मत की ज़रूरत है, आप देख सकते हो नीचे की चीज़ें काफ़ी डैमेज सी दिख रही हैं। और ये कुआं, इसमें पानी नहीं है, दिखाते हैं हम आपको अपने कैमरे से। ये सूखी हुई कुआं हो गई है या फिर ये कुआं भर गया है जो इस तरह से दिख रहा है। इस कुएं की खूबसूरती होती है अगर इसमें पानी होते हैं, पानी के साइड में फहारे लगे होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ और भी हो सकता था देखने के लिए खूबसूरती। हाँ, पेड़ पौधे लगते हैं तो खूबसूरती आ जाती है, बट ये यहाँ पे जब ये बावड़ी बनी थी तब तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती होंगी। यहाँ पे पानी के फुहारे भी होंगे, कुएं में भी पानी। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, जिस सीढ़ियों से आए थे उस सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं।
आइए एक बार फिर से हम आपको पूरे बावड़ी का नज़ारा अपने कैमरे से राउंड करके दिखाते हैं। देखा आपने काफ़ी खूबसूरत बावड़ी है ये 400 साल पुरानी और अभी थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है यहाँ पे। आप टॉयलेट वगैरह होना चाहिए था, तो हमने यहाँ की गार्ड से भी बात की है तो वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं और टूरिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने शो के माध्यम से इस बात को आगे ले जाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मरम्मत के लिए होने चाहिए और टॉयलेट भी होने, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ किले हैं, ये बावड़ी है और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं अपनी शो के माध्यम से, सच बताते हैं, सच्चाई से आपको हम रूबरू कराते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है आप तक सच पहुंचाना और आपको ये बताना कि कोई भी अफवाह वगैरह पे आप ना जाएं। और यहाँ पे कोई भी ऐसी हॉरर प्लेस के हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।